दस में से कितना नंबर दीजिएगा मोदी जी को? दस में से एक भी नंबर मैं मोदी जी को देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मोदी जी ने जो है ना काम कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने सिर्फ बेचा है, सारी चीजों को बेचा है, कहीं भी चीजें देख लो, मोदी जी ने सिर्फ बेचने का काम, सिर्फ 10 साल में भारत को आधे से ज्यादा बेच दिया, ठीक है, आधे से ज्यादा जॉब्स खत्म कर दी, स्टूडेंट्स दर दर फिर रहे हैं, मोदी जी ने ये किया है जो 70 साल में नहीं हुआ, वो मोदी जी ने कर दिया, ये सच बात है। जिस हिसाब से 303 सीट आई थी अब की बार इसमें 2019 के चुनाव में, हाँ हो सकता है 10-20 सीट ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अभी दबदबा पूरा कहना में बीजेपी का कायम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज मार, मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव, और मैं अभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में खड़ा हूँ, वही मुखर्जी नगर जो भारत का एक ऐसा हीरा का खदान है जहाँ से देश के अलग अलग पदों पे लोग अफसर और अधिकारी बनकर जाते हैं और देश की दशा और दिशा तय करते हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए यहाँ के युवाओं से बात करेंगे 2024 के चुनाव के ऊपर, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम पड़ेगा आपका? अर्जुन गालियान। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी वेस्ट मुजफ्फरनगर। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा आपको? मोदी जी का कार्यकाल तो अच्छा नहीं लगा, बट जैसे वेस्टर्न यूपी में योगी जी ने काम किया है वो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम आरएलडी को सपोर्ट करते हैं, और शामली में आपने देखा होगा तीनों की तीनों सीट आरएलडी के पास है, और जो है मुजफ्फरनगर में भी मतलब अच्छा एक चुनाव रहा, हालांकि आरएलडी वहां से नहीं जीत पाई, लेकिन फिर भी हमने आरएलडी की बात की भैया, मगर 2024 के चुनाव जो होने वाला है, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो सत्ता में आ सकती है? देखो, मेरे को लगता है कि इस बार तो आरएलडी और कांग्रेस ही आने वाली है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हो चुकी है जो बीजेपी को मतलब काफ़ी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम भी खुद भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और लोग जो है जैसे मतलब आप कहीं भी ले लो, अच्छा, किसी भी मुखर्जी नगर में राहुल गांधी आए थे, मुखर्जी नगर में राहुल गांधी आए तो थे। क्या लगता है कि राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे वो सब्जी वाला हो गया, चाहे आप लोग स्टूडेंट हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या किसानों के बीच जाते हैं, क्या भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं, क्या लगता है कि वो कितना प्रभाव डालने वाला है 24 के चुनाव में? वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालने वाला है, आपने देखा राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ रहे हैं उन सब से, और ये चुनाव में बहुत ज़्यादा उनके लिए मतलब अच्छा रहेगा। अच्छा, मोदी जी के जो काम किए हैं अभी 9 साल प्लस हो चुके हैं, 10 साल होने वाले हैं, आप 10 में से कितना नंबर दीजिएगा मोदी जी को? 10 में से एक भी नंबर मैं मोदी जी को देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी ने जो है ना काम कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने सिर्फ बेचा है, सारी चीज़ों को बेचा है, कहीं भी चीज़ें देख लो, मोदी जी ने सिर्फ बेचने का काम किया है, स्टूडेंट्स में मतलब इतना ज़्यादा जैसे आर्मी होगी वो 4 साल की कर दी, एयरफोर्स कर दी वो 4 साल की कर दी, मतलब ऐसा ऐसे ऐसे मोदी जी ने काम किए हैं कि स्टूडेंट्स तो उनके पक्ष में है ही नहीं, जो भी पढ़ने लिए मतलब। मगर मोदी जी तो ये कहते हैं जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हमने अपनी सरकार में कर दिया, और 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ सारे जो भी घोटालेबाज हुए हैं। सही बात है, जो उन 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने सिर्फ 10 साल में भारत को आधे से ज़्यादा बेच दिया, ठीक है, आधे से ज़्यादा जॉब्स खत्म कर दी, स्टूडेंट्स दर दर फिर रहे हैं, मोदी जी ने ये किया है जो 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिया, ये सच बात है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल जीरो, और मैं 10 में से बिल्कुल जीरो मोदी जी को देना चाहूँगा। क्या नाम है भैया? भाई मेरा नाम है देवेंद्र चौहान, मैं मथुरा जिले से बिलोंग करता हूँ। क्या लगता है कि 2024 को चुनाव को लेकर आप किस तरह से सोचते हैं, क्या देखते हैं? भाई जिस हिसाब से मथुरा जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे तो टोटली बीजेपी का दबदबा है, लेकिन भाई अब जिस हिसाब से कर्नाटक में चुनाव हुए हैं और 2024 को देखते हुए जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है आम आदमी पार्टी, मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी ये दोनों पार्टी बीजेपी को टक्कर देंगी, लेकिन भाई बीजेपी की जिस हिसाब से 303 सीट आई थी अब की बार इसमें 2019 के चुनाव में, हाँ हो सकता है 10-20 सीट ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अभी दबदबा पूरा कहना में बीजेपी का कायम है। क्या लगता है कि बीजेपी फिर से एक बार सत्ता में आएगी? हाँ ऐसे भाई कन्फर्म तो नहीं है, पर कह सकते हैं। आप मोदी जी को 10 में से कितना नंबर दीजिएगा?
10 में से भाई 7 नंबर। 7 नंबर देंगे आप भाई, आपके 0 दे रहे हैं भाई। वो उनकी चॉइस है, उनका ओपिनियन है भाई, वो बात ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी को 10 में से 7 नंबर है। जो राहुल गांधी जा रहे हैं लगातार युवाओं के बीच, उसका कितना असर देखने को मिलेगा 2024 के ऊपर? मुझे ना लगता कांग्रेस का असर देखने को मिलेगा, मुझे लगता है सिर्फ आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी का। जो एक दूसरे को गालियां देते थे जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो आज साथ में आ गए हैं, क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं देख, गाली और ये तो भाई देख पॉलिटिक्स का खेल है, इन चीज़ों को तो मैं मानता नहीं हूँ, ये तो सब चलती रहती है। बीजेपी भी मिली है, बीजेपी आएगी, बीजेपी भी अपने विरोधी दल से मिली है, गठबंधन तोड़ा बिहार में, तोड़ा नीतीश से तोड़ा, और भाई कितनी जगह तोड़ा बीजेपी ने, हर जगह तोड़ा है और हर जगह जोड़ा भी है। जम्मू कश्मीर में इसने धारा 370 हटाई, वहाँ से इसने PDF से गठबंधन पहले जोड़ा, फिर इसने गठबंधन वहाँ से तोड़ा, ये तो चलता ही रहता है। क्या लगता है भैया कि जो पार्टियां साथ में आई हैं, इंडिया नाम से मोर्चा बनी है, और जो एक दूसरे गालियां दिया करते थे, कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, वो आज साथ में बेड से साथ में मीटिंग कर रहे हैं और पार्टी मतलब मोर्चा बना रहे हैं, क्या लगता है इसका कितना असर मिलेगा? इसका तो मैं मानता हूँ कि कोई असर नहीं मिलेगा। अगर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ये पार्टी खुद से अपना अलग अलग मतलब इंडिविजुअली इलेक्शन करे तो शायद मेरे को लगता है ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जो कभी एक दूसरे को मतलब गाली दिया करते थे, मैं भी उस चीज़ में नहीं मानता, बट इंडिविजुअली अगर लड़े तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मेरे को लगता है कि होगा।